Hello everyone, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel Chess Life. So guys, our channel has completed 10k subscribers. I'm really happy for that and I'm really thankful for you. Because of your love and support only we have completed this beautiful milestone. So guys, 10k subscriber complete hone ke baad, I thought of having one drone because as I am a travel vlogger. मैंने सोचा था कि अगर ड्रोन रहेगा तो ड्रोन शॉट्स काफ़ी ब्यूटीफुल रहते हैं. अगर मेरे ब्लॉग में मैं इंक्लूड करूँगा तो व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आएंगे. सो ये मैंने सोच के फाइनली DJI Mavic Mini 2 ले लिया है. सो गाइज, पर्टिकुलर ये वीडियो में मैं बात करूँगा DJI Mavic Mini 2 के टेक्निकल आस्पेक्ट्स, क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए. बिकॉज ऑफ इंडियन रेगुलेशंस ऑफ ए ड्रोन, आपको काफ़ी चीज़ें जानना भी ज़रूरी है बिकॉज देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस. तो अच्छे फुटेज लेने के लिए कुछ हैक्स भी है रिस्ट्रिक्शन हटाने के लिए, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे वीडियो में. बिफोर स्टार्टिंग वीडियो गाइज, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, मैंने DJI Mavic Mini 2 का कॉम्बो पैक लिया था. तो कॉम्बो में एक ड्रोन आता है, उसके बाद एक कंट्रोलर, फिर चार्जर विद 3 बैटरीज, उसके बाद एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स और वन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ जॉयस्टिक और एक एक्स्ट्रा गिम्बल कवर, उसके बाद डिफरेंट कनेक्टर्स, कंट्रोलर को फोन को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर्स, वायर करने के वायर्स आते हैं. सो कनेक्टर में एक USB-C कनेक्टर है एंड्रॉइड का और एक है माइक्रो USB कनेक्टर. उसके बाद आईफोन का जो कनेक्टर है ऑलरेडी कंट्रोलर में मेरे लगा हुआ है. तो दोस्तों, ये जो ड्रोन है ना, ये माइक्रो ड्रोन्स की कैटेगरी में आता है बिकॉज इसका वेट है 249 grams. सो एज इंडियन ड्रोन रेगुलेशंस, जो ड्रोन 250 grams के नीचे जिनका वेट है वो माइक्रो ड्रोन्स की कैटेगरी में आते हैं, उनको परमिशन उड़ाने से पहले परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती. सो एज पर इंडियन ड्रोन रूल्स एंड रेगुलेशन, आप ड्रोन है ना 15 meters के ऊपर नहीं उड़ा सकते. ऑलरेडी DJI Fly का जो ऐप है ना, उसमें ही 15 meters का रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, उसके ऊपर ये जाएगा ही नहीं. लेकिन गाइज, सोचो अगर 15 meters के ऊपर आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हो तो मज़ा ही नहीं आएगा, अच्छे फुटेज आप ले ही नहीं पाओगे, तो ड्रोन लेने का क्या मतलब. सो गाइज, डोंट वरी, देर आर सम हैक्स विच वी कैन यूज, देर आर मल्टीपल हैक्स एक्चुअली, क्योंकि DJI Fly जो ऑफिशियल ऐप है उसके अलावा देर आर 2-3 एप्स विच ऑल्सो यू कैन यूज फॉर यू नो फ्लाइंग DJI एनी DJI ड्रोन एक्चुअली. लेकिन मैं सोचता हूँ कि ऑफिशियल जो ऐप है ना, आप उसी से अपना ड्रोन उड़ाओ, DJI का DJI Mavic Mini हो या Mini 2 हो या एनी DJI ड्रोन, बिकॉज जो ऑफिशियल है वो ऑफिशियल है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा. और क्योंकि जो आप ड्रोन उड़ाते हो ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है GPS सिग्नल. तो बाकी ऐप का GPS सिग्नल वीक हो सकता है, बहुत बार क्या होता है ना कि ऐप की कनेक्टिविटी लॉस हो जाती है, लेकिन DJI Fly ऐप अगर यूज़ करते हो ना तो ड्रोन वहीं पे स्टडी रहता है एंड ऑटोमेटिक जब आप वापस ऐप चालू करते हो तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट भी हो जाता है. तो एक एडवांटेज है जो ऑफिशियल ऐप है उससे यूज़ करने का. सो मैं जो हैक बताने वाला हूँ उसे आप यूज़ करके आपका जो ड्रोन है आप 15 meters से ऊपर उड़ा सकते हो विदाउट गिविंग एनी मनी. देर इज़ अ फेमस वेबसाइट dronehacks.com. तो वो लोग, उनका जो लाइसेंस है परचेस करने के लिए आपको आई थिंक 3,000 या 5,000 rupees देने पड़ते हैं परमानेंट लाइसेंस के लिए, फिर उसके बाद आप आराम से उड़ा सकते हो. सो मेरे पास एक आइडिया जो मैं आपको बताने के बाद, आप इजीली विदाउट गिविंग एनी मनी आप DJI Fly ऐप यूज़ करके इसको 15 meters से भी ज़्यादा ऊपर उड़ा सकते हो. सो इट्स अ वेरी सिंपल, सो लेट्स बिगिन विद इट. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक स्टेप. पहले हमें ड्रोन को स्टार्ट करना है. सो ये वाला जो बटन है इसको एक बार प्रेस करो, उसके बाद सेकेंड टाइम थोड़ा होल्ड करो और ये हो गया ड्रोन स्टार्ट. गिम्बल जब पूरा ऐसे घूमेगा और स्टेबल हो जाएगा, ये हो गया आपका ड्रोन स्टार्ट और ये है इंडिकेटर्स. सो ड्रोन को बाजू में रखना है. ये रहा कंट्रोलर, कंट्रोलर को सेट कर देता हूँ. तो दोस्तों, ये है कंट्रोलर. अभी मैं आईफोन इसको कनेक्ट करूंगा, DJI Fly ओपन करने वाला हूँ और DJI Fly ऐप ओपन करके ड्रोन से पहले कनेक्ट करूंगा. मैं आपको ये स्क्रीन रिकॉर्ड करके बताता हूँ पूरी प्रोसीजर कि ये कैसे ट्रिक की जाती है. सो दोस्तों, मैंने आईफोन कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर दिया है और मैं अभी ओपन करूंगा DJI Fly ऐप और उसके मदद से हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने DJI Mavic Mini 2 को अपने फ़ोन के साथ. तो मैंने ओपन कर दिया DJI Fly ऐप
और जैसे कि आप देख सकते हो, यह है इंटरफेस ऐप का, और यहाँ पे बटन है गो फ्लाई का, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। और गाइज हमारा जो ऐप है वो ड्रोन के साथ कनेक्ट हो गया और यह लाइव पिक्चर है। ओके सो गाइज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये ड्रोन का जो फ्लाई ऐप है उसमें ये इंटरफेस है ऐप का। और अगर मैं सेफ्टी में जाता हूँ ना, तो मैक्स अल्टीट्यूड आप देख सकते हो ये 15 मीटर है जो कि लॉक है, मैं इसको स्क्रॉल नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर मैं सेम 15 मीटर रिस्ट्रिक्शन के साथ उड़ाने की कोशिश करूँगा तो ये 15 मीटर के ऊपर नहीं जाएगा। ओके सो हमारा हैक जो है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। सो अभी क्या करना है, मैं इसको डिस्कनेक्ट करूँगा। डिस्कनेक्ट डायरेक्टली करना होता है डायरेक्टली, जैसे आप देख सकते हो, अगर आप देख सकते हो ये जो केबल है, ठीक है, ये कनेक्टर में फ़ोन को कंट्रोलर से कनेक्ट किया है, ठीक है, ये केबल ने, तो मैं इसको डायरेक्टली निकाल दूंगा लाइक दिस, ठीक है। तो आपको अभी फ़िलहाल कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि ऐप हमने डिसकनेक्ट कर दिया। सो केबल डिसकनेक्ट करके आपको ओपन करना है रेनबो ऐप और फिर वापस केबल कनेक्ट करनी है। कनेक्ट द एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो ये रेनबो ऐप के साथ अपना ड्रोन कनेक्ट हो चुका है और आपको क्लिक करना है फ्लाई ड्रोन पे। तो अभी जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये रेनबो ऐप जो है अल्टरनेट सॉल्यूशन फॉर DJI फ्लाई ऐप। सो ये रेनबो ऐप भी आप ड्रोन यूज़ कर सकते हो उड़ाने के लिए, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप जो DJI का ऑफिशियल ऐप है वही यूज़ करो। सो मैं आपको बताऊंगा कि रेनबो फ्लाई ऐप से हम लोग रिस्ट्रिक्शन हटाएंगे और फिर वापस कनेक्ट करेंगे DJI फ्लाई ऐप को। सो ये कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। सो ये जो इंटरफेस है ये है रेनबो ऐप का, तो आपको क्या करना है, रेडी टू गो पे क्लिक करना है। फिर जैसे कि आप बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें सेकंड ऑप्शन है सेट मैक्स फ्लाइट अल्टीट्यूड, इसमें 15 मीटर है। सो ये ऐप में आप रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो बढ़ा सकते हो 500 मीटर तक। सो मैं 15 मीटर निकाल के उसमें डालूंगा 500 मीटर। और यहाँ पे नोट आई यूर सिग्नल इज वीक मैक्स अल्टीट्यूड, इसमें वायलेट लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस, ये आपको मैसेज आएगा, आपको एग्री करना है और फिर इसको ये वीडियो को क्लोज करना है, ठीक है। तो ये है, हमने रिस्ट्रिक्शन हटा दी और अभी हम क्या करेंगे, ये ऐप को बंद करेंगे और ओपन करेंगे DJI फ्लाई ऐप, क्योंकि हमें यूज़ करना है ड्रोन उड़ाने के लिए DJI फ्लाई ऐप जो ऑफिशियल ऐप है, ठीक है। ये रहा DJI फ्लाई ऐप। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पहले हमने रिस्ट्रिक्शन देखी थी जो 15 मीटर थी वो अभी चेंज होके आपको दी गई है 5500 मीटर, ठीक है। तो 15 मीटर जो हमने रिस्ट्रिक्शन थी वो चेंज की थी रेनबो ऐप ने, जहाँ वहाँ पे की थी 500 मीटर, जो वो मैक्स अल्टीट्यूड यहाँ पे भी चेंज हो गया है, वो हो गया 500 मीटर। और यहाँ पे नीचे ऑप्शन है मैक्स डिस्टेंस नो लिमिट, आप ऐसे डिस्टेंस कितना भी ले सकते हो, ठीक है। ऑटो RTH अल्टीट्यूड, RTH क्या होता है, RTH होता है रिटर्न टू होम अल्टीट्यूड, मतलब कौन से अल्टीट्यूड पे ड्रोन रहेगा, मतलब लाइक आप 500 मीटर तक लेके गए ड्रोन को, वहाँ से RTH बटन आप दबाते हो तो वो रिटर्न आना चाहिए जहाँ से ड्रोन ने टेक ऑफ किया था, ठीक है। तो वो लिमिट क्या है यहाँ पे 15 मीटर, लेकिन हमने मैक्स अल्टीट्यूड 500 मीटर किया है तो ये भी हमें 500 मीटर रखनी पड़ेगी। तो 500 मीटर से अगर आप RTH बटन दबाते हो ना, तो ये ऑटोमेटिकली सेम जहाँ से टेक ऑफ किया था वहीं पे लैंडिंग साइट पे ड्रोन आके लैंड कर देगा। सो दोस्तों आई होप आपको ट्रिक ये समझ में आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। सो ये ट्रिक से आप इजीली 15 मीटर रिस्ट्रिक्शन जो आप हटा सकते हो और आपका ड्रोन आप 500 मीटर तक अल्टीट्यूड तक लेके जा सकते हो और काफ़ी ब्यूटीफुल सीनिक फुटेज ले सकते हो। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये नॉलेजेबल लगा, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज सी यू नेक्स्ट वीडियो नाउ, टिल देन चीयर्स टू लाइफ।